नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल पर उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज थाउजेंड पजल सीरीज का सेट नाइन अब पजल बनाना होगा बिल्कुल आसान पजल बनाने की शानदार अप्रोच चलिए देखते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नहीं आया आ जाएगा रुक जाओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये है दोस्तों सेट नाइन स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन बनाइए जल्दी से तीन मिनट का समय है मैं यहां पर टाइमर दे देता हूं आप लोगों को ये यह टाइमर यहां बीच में चल रहा है तीन से चार मिनट का समय है जो जल्दी जल्दी बनाई है ये सीरीज़ कंटिन्यू क्यों नहीं होती रोज़ कंटिन्यू चलेगी अभी चार पाँच दिन में छुट्टी पे गया था बाहर नन एंड नन ऑफ द above. नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं और नन ऑफ द above का मतलब होता है जो ऊपर के चार ऑप्शन होते हैं उनमें से कोई नहीं सॉल्व हो जाए तो डन लिख दीजिएगा दोस्तों हो गया तीन मिनट बोल के चार मिनट हो चुके हैं अब डन के मैसेज आने स्टार्ट हुए हैं हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को जिनसे नहीं बना इधर ध्यान दीजिएगा टॉय कार्स आर केप्ट ऑन डिफरेंट शेल्फ वन अबाउट सर्च इज नंबर एज वन एंड इमीडिएटली अब इट इज नंबर एज टू एंड सो ऑन नो शेल्फ इज वैकेंट कोई भी शेल्फ वैकेंट नहीं है टोटल डिफरेंट शेल्फ जो भी है आ, कितने हैं हमको नहीं पता टोटल शेल्फ ठीक है अब पूरा शेल्फ नंबर ऑफ एन इज हाफ द शेल्फ नंबर ऑफ पी एन का जो भी शेल्फ नंबर होगा एन का जो भी शेल्फ नंबर होगा वो हाफ होगा किसका पी का तो पी का हाफ मतलब पी का ऐसे हाफ लिखोगे तब जाके एन आ रहा है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं ना टू को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो हम बोल सकते हैं कि पी इज इक्वल्स टू टू एन एन का जो भी शेल्फ नंबर होगा उसका डबल कर दोगे तो पी आ जाएगा पी का हाफ एन एन का डबल पी आगे बोला ओनली नाइन शेल्फ आर बिटवीन आई एंड ई आई और ई e के बीच में नौ शेल्फ होने चाहिए ई विच इज ऑन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर शेल्फ जो है वो स्क्वायर स्क्वायर नंबर नंबर के शेल्फ पर होगा square number क्या क्या होते हैं वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एंड सो ऑन जो भी है आगे बोला पी इज केप्ड इमीडिएटली अबाउट जी पी जो है वो इमीडिएट जी के ऊपर है Q इज कैप्ड थ्री शेल्फ P. Q जो है वो तीन शेल्फ ऊपर है तो ऊपर मतलब बीच में दो का गैप आता है N is kept below fourth shelf. N जो है वो fourth number के shelf के नीचे है. N के नीचे N होना चाहिए मतलब फोर्थ के नीचे कहीं पर भी N हो सकता है फिर क्या बोल रहा है आगे, आगे आपको Q इज exactly Q. Q इज कैप्ट एग्जैक्टली बिटवीन I एंड H. Q जो है वो I और H के एग्जैक्ट मिडिल में बैठा हुआ है और H के लिए क्या बोल रहा है H विच इज kept between P एंड Q. H जो है वो P और Q के बीच में है तो H अगर P और Q के बीच में है, मतलब H या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा ठीक है तो इस वाली कंडीशन से ही हम स्टार्ट करेंगे पहले कंडीशन पूरा पढ़ लेते हैं प्राइम नंबर शेल्फ एच और आई जो है ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर पे है इसको हम लिख लेते हैं यहां पर ऐसा ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर पे होने चाहिए फिर क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ शेल्फ बिलो ई इज वन लेस ई के नीचे जितने भी शेल्फ हैं वो एक कम होना चाहिए इज वन लेस देन द नंबर ऑफ शेल्फ एबो आई जितने आई से ऊपर की तरफ है उससे एक कम ई के नीचे होना चाहिए तो ये सारी कंडीशन हो गई हमारी अब यहां पर क्या करेंगे नंबरिंग कर लेते हैं हम नीचे से वन से करके स्टार्ट करते हैं हमको भी पता नहीं है तो हम एक रैंडम जितने लोग लिखे हुए हैं उसके हिसाब से रैंडम आठ नौ बना लेते हैं अभी उसके बाद ऊपर जितना ज़रूरत पड़ेगा बना लेंगे तो वन के ऊपर ये हो गया टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव फिर सिक्स फिर सेवन फिर एट फिर नाइन टेन अभी यहाँ तक बना लेते हैं आगे और ज़रूरत होगी तो देख लेंगे ठीक है अब यहां पर देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कभी भी ऐसी कोई कंडीशन दिखती है तो हमेशा क्या करना चाहिए आप लोगों को हमेशा आप लोगों को सबसे पहले इसको जीरो और जीरो लेकर चलना चाहिए हमेशा तो अगर मैं इन दोनों को जीरो के हिसाब से लेता हूं मतलब कि एच से लगा हुआ क्यू होना चाहिए और क्यू से लगा हुआ आई होना चाहिए मतलब मैं अगर यहां पर लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि एच जो है वो इस वाली जगह पे आएगा और क्यू के बाद फिर आई जो है वो इस वाली जगह पे आएगा बोल सकते हैं ऐसा अगर मैं इनके बीच में जीरो जीरो लेता हूं तो प्रायोरिटी हमेशा जीरो जीरो की लेनी है उसके बाद क्या करना है एक रह गया क्या रह गया बहुत बिलो ई इज वन तो है क्या रह गया सही तो है तो मैं क्या बता रहा था कि इसमें देखो कम हमेशा जब भी ऐसी कोई कंडीशन देता है ना कि भाई एग्जैक्ट मिडिल में लेना है तो हमेशा इन दोनों के बीच में आपको पहले जीरो मान के चलना है मतलब एच क्यू आई फिर उसके बाद क्या करना है आपको एच एक छोड़कर क्यू एक छोड़कर आई ऐसा रखना है फिर वो भी गलत हो गया तो एच दो छोड़कर क्यू दो छोड़कर आई उसको चेक करना है तो वो तो खैर पॉसिबल ही नहीं था हमारे पास सिर्फ यही दो चीजें थी एच यहां या फिर यहां तो वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं है तो एच को पहले यहां रखेंगे फिर यहां रखेंगे तो दो चीज़ें चेक करनी है हमको तो अगर मैं एच को यहां रखता हूं तो अब देखो दोस्तों अगर अगर ये जी को यहां रखते हो आप ऐसा जी ठीक है फिर पी को यहां रखते हो ऐसे सेकंड पे ठीक है फिर एक छोड़कर यहां पर आप रखते हो एच को तो क्या ये प्राइम में नहीं है मतलब ये वाला प्राइम हो सकता था यहां पर रख सकते थे एच को चलो रख देते हैं एच को यहां पर भाई नीचे से जब हम आ रहे हैं तो यहां पर देखो जी को रख रहे थे तो गलत हो रहा था तो यहां पर आप रखते हैं जी को तो जी से ऊपर ये हो गया पी ठीक है पी से एक छोड़कर ये हो गया एच एच के ऊपर क्यों क्यों से ऊपर आई अब देखो ये दोनों प्राइम पे दिख रहे हैं आई और एच ये दोनों के दोनों प्राइम पे दिख रहे हैं ना मैंने ऐसा क्यों स्टार्ट किया मिनिमम पॉसिबिलिटी भाई जी को सबसे पहले नीचे रखे एकदम वन पे वहां गलत हुआ तो फिर टू पे रखे वहां गलत होगा तीन, तीन पे रखेंगे तीन गलत होगा चार पे रखेंगे तो ऐसे ऐसे करके चेक करेंगे तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई ये वाली कंडीशन हमारी हो गई अब देखो हमको पता है कि पी का जो भी पी का जो भी क्या है शेल्फ uh, नंबर वो एन से डबल होना चाहिए क्या आपको थ्री जो है वो डबल दिख रहा है एन से क्या आपको ये थ्री जो है वो एन का डबल दिख रहा है नहीं दिख रहा मतलब गलत हो गया तो अब और ऊपर चेक करते हैं और ऊपर चेक करते हैं भाई इसको ये जितना भी हमने लिखा है इसको हटा देता हूं मैं अब देखो अगर मैं जी को यहां रखता हूं पी को यहां रखता हूं अच्छा इसी में नहीं चलो ठीक है जी को अगर मैं यहां थ्री पे रखता हूं सेकंड वाले पे तो गलत हो गया ठीक है थ्री पे अगर मैं जी को रखता हूं तो पी यहां पर आ जाएगा फोर्थ वाले पे अब इसके बाद एक छोड़कर यहां पर आएगा एच क्या पॉसिबल है नहीं है ये पॉसिबल है क्या नहीं है अगर मैं एच को सेवन वाले प्राइम नंबर पर रखूंगा तो एच से एक छोड़कर यहां पर यह भी प्राइम पॉसिबल नहीं है फिर यह तो प्राइम है ही नहीं आठ नौ दस ये तो प्राइम होते ही नहीं है ग्यारह पे रखूंगा बारह पे रखेंगे तेरह पे रखेंगे तो ये देखो यहां पर आप ऐसा कर सकते हो ग्यारह और तेरह हो सकता है ये एक चीज़ पॉसिबल है उसको चेक करते हैं और वो भी गलत हुआ तो फिर हम क्या करेंगे एच को यहां पर रखेंगे एक छोड़कर पॉसिबिलिटी चेक करेंगे चलो एक बार देख लेते हैं इसको अगर मैं यहां पर रखता हूं एच को क्यों आ जाएगा यहां पर आई आ जाएगा यहां पर अब चेक कर लेते हैं तो एच से एक छोड़कर पी आ जाएगा यहां पर अब देखो अभी भी ये चीज़ गलत है क्योंकि पी जो है वो एन का डबल नहीं हो रहा नाइन जो है वो साढ़े चार का डबल होता है मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है ठीक है हटा दो भाई इसको ये सब हटा दो अब क्या चेक करेंगे दोस्तों अब यह चेक करेंगे ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई ना तो अब हम ये वाली पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे कि एच यहां पर आएगा एक छोड़कर क्यू है और फिर एक छोड़कर आई है यह वाली पॉसिबिलिटी को चेक करो तो एच और आई आपको प्राइम पे चाहिए ठीक है थीके? फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे भाई जी को मैंने यहां पर रखा पी को मैंने यहां रखा आ, मैं इरेज नहीं करूंगा साइड में बनाते जाऊंगा ठीक है क्योंकि यहां जगह है हमारे पास जब जगह नहीं होती है तब दिक्कत होती है अभी तो जगह है तो मैं बना दूंगा यहां जी रखा पी रखा एच रखा एक छोड़कर यहां क्या रखे क्यू एक छोड़कर रखे आई अब देखो आई और एच आपको प्राइम पे दिख रहे हैं बिल्कुल दिख रहे हैं भाई सही है बिल्कुल सही है दिख रहा है ना अब देखो यहां पर और क्या चीज है आई से नौ छोड़कर ई e रखना है आई से नौ छोड़कर ई e रखना है तो यहां आई से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बहुत ज्यादा हो जा रहा है और ई e जो है वो स्क्वायर पे होना चाहिए एक दो तीन चार पाँच छः तो सात से एक दो तीन चार पाँच तेरह चौदह पंद्रह सोलह पे हो सकता है क्या देख लेते हैं एक दो तो, तीन चार पांच छह सात आठ नौ नहीं हो रहा गलत है ये भी कंडीशन गलत है हाँ या ना गलत है ना कैसे गलत है देखो इसी से आप चेक कर सकते हो पी जो है वो एन का डबल नहीं हो रहा है मतलब गलत है ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है भाई तो ये पॉसिबल ही नहीं है तो यार इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है कहां से चेक करें कुछ और कंडीशन देखना पड़ेगा तभी बनेगा ऐसे नहीं बनेगा ये पी इक्वल्स टू टू एन लेना है हमको अगर मैं पी को फोर पे ले लूँ तो ये एन का डबल हो जाएगा और जी के ऊपर है ये हो सकता है पी से ऊपर एच यहाँ पर लेंगे तो एच एक छोड़कर मतलब एच क्यू पी के ऊपर एच लेंगे तो एक छोड़ कर क्यों फिर एक छोड़ कर आइए तो हो नहीं सकता पॉसिबल नहीं है और देखते हैं सिक्स पे लेके देखते हैं सिक्स पे लेंगे अगर मैं ऐसी फिंगर रूल का यूज़ कर लेता हूँ पी को अगर छः पे लूँगा तो एन यहाँ पर हो जाएगा तीन पे ठीक है पी के नीचे जी एच हो जाएगा यहाँ हाँ ये हो रहा है देखो अब यहाँ पर लेते हैं पी को छ पे यहाँ पी के नीचे हो गया जी P अगर सिक्स है तो P किसका डबल है N का डबल है मतलब N हो गया थ्री P से ऊपर H रखना है ये हो गया H H से एक छोड़कर Q एक छोड़कर I देखो I और P जो है I और H जो है दोनों के दोनों प्राइम पे है सेवन और इलेवन ये सही हो रहा है अब I से देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ छोड़कर यहाँ पर आप रख सकते हो E को जो कि एक स्क्वायर है वन वन का स्क्वायर होता है तो ये चीज भी हो गई हमारी कंडीशन ये भी हो गई ये भी हो गई ई e के नीचे एक कम है जितने आई के ऊपर है तो आई के ऊपर एक हो जाएगा ई e के नीचे एक कम यानी 0 हो जाएगा हो गया सॉल्व तो 12 बनेंगे टोटल ये आपका सॉल्व हो गया पॉसिबिलिटी थी थोड़ी सी इसमें थोड़ी तो थो नहीं बोलेंगे दो तीन तीन पॉसिबिलिटी थी लगभग लगभग तो 12 शेल्फ बनेंगे आपके आंसर आ जाएगा IQHPGNE IQHPGNE ये वी नहीं दिया है ठीक है इसको हटा दो बी का कोई कंडीशन था क्या नहीं अच्छा दोस्तों एक बढ़िया चीज यार जो मैं ध्यान नहीं दिया आप लोग ध्यान देना इस चीज को फोर्थ के नीचे एन रखना था ना मतलब हमारे पास तीन ही पॉसिबिलिटी थी एग्जैक्ट तीन पॉसिबिलिटी थी कौन कौन सी तीन भी नहीं थी दो पॉसिबिलिटी थी मैं अगर शुरू से करता तो ये चीज हो जाती देखो मैं करके बता देता हूँ एक बार जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये एक वो हो जाएगा की पॉइंट कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाओ ना ऐसे जब नंबरिंग कर रहे हो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड सो ऑन जो भी है जितना भी बना रहे थे तो अगर आपको बोला है कि एन जो है अगर आपको बोला है कि जो एन है वो तीन के नीचे मतलब चार के नीचे होना चाहिए ठीक है और फिर एन का डबल पी लेना है आपको तो यहां से आप चालू करो अगर आप एन को यहां वन पे लेते हो ठीक है तो एन का डबल यानी कि पी यहां आ जाएगा तो फिर पी के नीचे जी नहीं आ पाएगा मतलब वन तो पॉसिबल नहीं है फिर टू पे आप रखो एन को तो फोर पे हो जाएगा पी और अगर आप थ्री पे रखते हो एन को तो सिक्स पे हो जाएगा पी ये दो पॉसिबिलिटी आपकी बनती बस पी के नीचे यहाँ जी हो जाता है यहाँ जी हो जाता अब इसमें आप चाहो तो चेक कर सकते थे पी के ऊपर एच यहाँ पर रखते एक छोड़कर क्यू एक छोड़कर आई तो ये आई जो है ये प्राइम पे नहीं आया मतलब गलत हो गया पी के ऊपर एच यहां रखते एक छोड़कर क्यू एक छोड़कर आई ये हो गया आपका सॉल्व आई के ऊपर एक ई के नीचे जीरो सॉल्व तो ये जल्दी बन जाता है ये तरीका जिसने भी अप्लाई किया होगा वो जल्दी बना लिया होगा चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से बनाइए टाइमर इसको रीसेट कर देते हैं पहले चलिए क्वेश्चन के लेवल तो अच्छा लग रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा समय ही दूंगा मैं डेली बारह बजे क्लास होती है चलिए दोस्तों डन के मैसेज तो आ रहे हैं लगता है y, लोग एक रो पर बैठते हैं, तो एक लीनियर रो बना लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब क्या बोल रहा है थ्री ऑफ फेस नॉर्थ वाइल रेस्ट फेस साउथ डायरेक्शन तीन लोग जो हैं ये नॉर्थ देखते हैं और चार जो है ये साउथ देखते हैं अब उसके बाद क्या बोल रहा है? डिफरेंट मोबाइल मोबाइल है ये south face कर रहा है।, है, है. Right है, right है, है आज ही करवाया हूं क्वेश्चन पेड क्लास में शायद वी हैज रियलमी वी के पास रियलमी का फोन है उस क्या बोल रहा है वाई एंड वी डू नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड यस बस उसमें चेंजेस थे थोड़े से ये नाम वगैरह चेंज थे वी एंड वाई डो नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो ये दोनों के दोनों एंड पे नहीं बैठे हैं थ्री पर्सन सीट बिटवीन वाई एंड टी वाई और टी के बीच में तीन लोग हैं तो देखो वाई से तीन छोड़कर टी इस तरफ नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि अगर वाई से एक दो तीन छोड़कर टी इधर लोगे तो टोटल आप काउंट करके देखो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हो जाएंगे हमारे पास तो सिर्फ सात थे तो इसको इस तरफ नहीं ले सकते मतलब वाई से एक दो तीन छोड़कर टी आ जाएगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद क्या बोल रहा है टी हैज पोको टी के पास पोको है तो यहां लिख देते भाई पोको उसके बाद वन हु हैज नोकिया सिट सेकंड टू राइट ऑफ द वन हु पोको तो पोको वाले के सेकंड टू राइट में नोकिया वाला बैठा हुआ है फिर क्या बोल रहा है दन एज नोकिया टू राइट ऑफ द वन हुज पोको वाई नहीं है वाई के पास एप्पल नहीं है द वन हैज एप्पल सिट सेकेंड टू राइट ऑफ एस द वन एप्पल सिट से टू राइट ऑफ एस ये एस के सेकेंड टू राइट में बैठता है एस है सैमसंग एस के पास सैमसंग है। एस फेसेस नॉर्थ एस जो है ये नॉर्थ फेस करता है डब्ल्यू हेज वीवो डब्ल्यू के पास वीवो है फिर क्या बोल रहा है डब्ल्यू एंड एस फेस द सेम डायरेक्शन W एंड S फेस द सेम डायरेक्शन फेस करते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है more than 2 sit between X and w. X W। W और के बीच में more than 2 है। मतलब कि दो से ज्यादा लोग होने चाहिए एक्स सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हुट लेफ्ट ऑफ द वन हुज रेडमी रेडमी वाले के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है X बैठा हुआ है क्वेश्चन शायद आखिरी वाला है जो मैंने नहीं किया था है ना वही वाला है ना जो आखिरी वाला क्वेश्चन था जो नहीं हुआ था उसी में थोड़े से चेंजेस हैं बस और कुछ नहीं है तो अब देखो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको बनाने के लिए हम डॉट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो डॉट मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा एंड वेंड तो कुछ बताया नहीं है बस बोला ये दोनों एंड पे नहीं है तो इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं वी साउथ फेस कर रहा है तो वी को मैं बैठा देता हूँ यहाँ ठीक है ये साउथ फेस कर रहा है ऐसे नीचे की तरफ फेस कर रहा है और वी जो है इसके पास रियलमी है तो यहाँ लिख देते हैं रियलमी अब देखो अगर वी एंड पे नहीं है तो बोल सकते हैं इसके इधर कम से कम एक तो होना चाहिए और दूसरा पर्सन भी हो सकता है और क्या है भाई ऐड आ गया रुक जाओ हाँ तो इसके बाद देखो भाई क्या है तो V जो था साउथ फेस कर रहा है नीचे की तरफ फेस कर रहा है इसके पास Realme का फोन है अब राइट साइड में देखोगे इसके V के ऐसे राइट साइड में देखोगे तो एक दो छोड़कर Y है तो भाई नीचे देख रहा है तो राइट इधर हो जाएगा तो एक दो छोड़कर यहां पर हो जाएगा Y अब Y जो है ये भी एंड पे नहीं है तो वाई एंड पे नहीं है मतलब यहां पर भी एक पर्सन होना चाहिए तो अभी तक हमको कितने मिल गए भाई तीन इधर मिल गए तीन इधर मिल गए हमारे पास टोटल कितने थे सात पर्सन थे मतलब आठवां जो पर्सन होगा वो कहां होगा डॉट मैथड हम ऐसी करते हैं यूज कि आठवां जो पर्सन है वो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा अगर ये होगा तो उसको भगा देंगे अगर ये होगा तो इसको भगा देंगे मतलब हमारा क्वेश्चन इतने में सॉल्व होने वाला है कंफर्म हो गया ठीक अब देखो यहां पर वी के लेफ्ट की तरफ में टी होगा मतलब इससे गिन लो वाई से तीन छोड़कर टी ती रखना है तो वाई से एक दो तीन छोड़कर टी ती आ जाएगा यहां पर टी के पास है ये हो गया पोको। ठीक है ये वाली कंडीशन हो गई हमारी अब ध्यान से देखना हमको पता है पोको के राइट में एक छोड़कर नोकिया है अगर इसको ऊपर डायरेक्शन दिखाओगे तो एक छोड़कर नोकिया नहीं हो पाएगा तो नीचे का डायरेक्शन दिखा दो एक छोड़कर नोकिया आ जाएगा यहां पर ठीक है तो ये वाली कंडीशन हो गई उसके बाद देखो और कौन सी कंडीशन है एस जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है देखो साउथ तो नीचे है नॉर्थ ऊपर है ना मैं यहां लिख भी देता हूं ये नॉर्थ है और ये वाला साउथ है तो अगर एस नॉर्थ फेस कर रहा है मतलब ऊपर की तरफ देखेगा तो एस सैमसंग से एक छोड़कर एप्पल रखना है अगर आप एस सैमसंग को यहां रखते हो तो एक छोड़कर एप्पल वाई में आ जाएगा जो कि नहीं पॉसिबल है मतलब एस को आप यहां नहीं रख सकते एस को यहां रखोगे तो एस सैमसंग से एक छोड़कर एप्पल यहां पर आ सकता है ये पॉसिबल है और कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप और कहीं एस सैमसंग रख ही नहीं सकते यहां एस सैमसंग रखोगे तो एक छोड़कर एप्पल नहीं आ पाएगा यहां एस सैमसंग रखोगे तो उधर जगह ही नहीं है मतलब सिर्फ यही जगह है एस सैमसंग के लिए नॉर्थ देख रहा है और इससे एक छोड़कर यहां आ जाएगा एप्पल ये कंडीशन हो गई उसके बाद देखिए कौन सी कंडीशन है रेडमी के लेफ्ट में एक्स है अगर रेडमी यहां रखोगे तो एक्स नहीं रख पाओगे रेडमी यहां रखोगे तो एक्स यहां आ सकता है ये हो सकता है रेडमी यहां रखोगे तो एक्स नहीं आएगा मतलब सिर्फ रेडमी के लिए यही वाली जगह बची हुई है तो रेडमी को रख देते हैं यहां और देखो Redmi से लेफ्ट में X तो Redmi से लेफ्ट में X यहां कब होगा जब Redmi का डायरेक्शन नीचे होगा तभी तो ये लेफ्ट होगा ये कंडीशन भी हो गई अब क्या बचा है हमारे पास देखो अब बचा है हमारे पास W Vivo ठीक है और W और X के बीच में दो से ज्यादा लोगों ने चाहिए तो X से W यहां रखोगे तो सिर्फ दो लोग दिख रहे हैं मतलब ये पॉसिबल नहीं है तो इसको भगा दो यहां से इस वाले को यूज कर लो यहां पर रख लो आप डब्ल्यू अब देखो एक्स और डब्ल्यू के बीच में दो से ज्यादा लोग दिख रहे हैं मतलब तीन लोग दिख रहे हैं मतलब कंडीशन बिल्कुल सही है डब्ल्यू के पास क्या है वीवो लिख देते हैं वीवो दूसरा आपको क्या पता था यहाँ पर डब्ल्यू और एस जो है सेम डायरेक्शन है तो अगर एस ऊपर देख रहा है डब्ल्यू भी ऊपर देखेगा ये भी हो गया ये भी हो गया अब बचा क्या है हमारे पास क्या बच गया दोस्तों बताओ तो यू बचा है यू रख देते हैं यहां अब डायरेक्शन कैसे सेट करेंगे आप लोग बताओ चलो देखते हैं भाई कैसे बताएंगे देखो हमको ये पता है कि भैया चार लोग जो है ना वो साउथ है और तीन लोग जो है नॉर्थ है कैसे बताएंगे डायरेक्शन देखो जिनको नहीं पता है? ये वाली लाइन को ध्यान से देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं आपको नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन मतलब दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते तो अगर ये दो लोग नीचे देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके बगल वाला जो पर्सन है ऊपर देखेगा ना तो ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया हो गया सोल्व देख लो भाई नॉर्थ वाले तीन दिख रहे हैं साउथ वाले चार दिख रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व तो देखो आंसर चेक करते हैं एस वाई एक्स यू एस वाई एक्स यू वी टी डब्ल्यू वी टी डब्ल्यू सैमसंग रेडमी एप्पल नोकिया सैमसंग रेडमी एप्पल नोकिया Realme Poco पोको वीवो Poco Vivo पोको वीवो ठीक है बिल्कुल सही है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टाइमर रीसेट करते हैं जिनसे अरे स्टार्ट तो ये चल रहा है टाइमर बनाइए जल्दी से चार मिनट के अंदर ए एल फोर्टी काम कर रहा होगा उसमें डिस्काउंट कम हो गया अब ट्वेंटी परसेंट हो गया है डिस्काउंट फोर्टी परसेंट वाला ऑफर ख़त्म हो गया है टारगेट बैच में और इसमें यस ऑफिसर पे भी यस ऑफिसर पे अब सिर्फ टेन परसेंट चल रहा है यस yes, ऑफिसर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं ए एल वन ज़ीरो कोड अप्लाई कर लीजिएगा उसमें आपको कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जी के सब कुछ मिल जाएगा कंप्यूटर हिंदी के भी टीचर्स आ जाएंगे आर के लिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी चीज़ें Ibps बी के लिए कौन सा बैच लें आशुतोष जी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जी और ये सब चीज़ें अब एस का जो स्पेशलिस्ट आ, मतलब जो होता है ना क्या बोलते हैं कोर सब्जेक्ट जो होता है क्या उसको वर्ड था भूल गया मैं मतलब प्रीलिम्स के लिए आपके काम आएगा मेंस में आपको वो काम नहीं आएगा उसके लिए आपको अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी जैक ए एल ट्वेंटी भी नहीं लगेगा यस ऑफिसर पे सिर्फ ए एल टेन लगेगा डिस्काउंट सारे अभी बंद हो गए हैं इतने दिन से पच्चीस परसेंट डिस्काउंट चल रहा था प्रीमियम पे आप लोग लिए नहीं उस समय अभी यस मॉक पे भी ऑफर चल रहा है तो अभी ले नहीं रहे हैं जब ऑफर खत्म हो जाएगा फिर सब लोग बोलेंगे लास्ट लाइन नहीं दिख रही है हिंदी वाले में पढ़ो ना ए डज नॉट सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ ए डज नॉट सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ ए एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है उसके बाद फिर बोल रहा है सी दूसरी मंजिल पर रहता है और उससे वीवो पसंद है सी लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर एंड लाइक्स वीवो सी सेकेंड फ्लोर पर रहता है और उसको वीवो पसंद है सी लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर एंड लाइक्स वीवो ये है आखिरी लाइन थोड़ा सा मैं वेट कर लीजिए आ जाएगा आप एक बार टीम से बात करिए अगर वो कुछ कर सकते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा उस पर आप बात करिए ये yes, स्मोक के लिए डिस्काउंट कोड क्या है डिस्काउंट कोड है उसमें टू डबल ज़ीरो ए एल वन ज़ीरो भी लग जाएगा वैसे पचास परसेंट का डिस्काउंट है डन हो जाए दोस्तों तो बता दीजिएगा सर आई एम अ बिगनर, शुड आई अटेंड मेंस बैच विथ फाउंडेशन बैच, आई एम फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट सौम्य जी बिल्कुल करना चाहिए भले समझ में ना आए थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर उसमें समझ में आएगी ना तो वही चीज़ें बाद में जाकर आपको इम्प्रूवमेंट दिलाएंगी चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं कुछ लोगों के लगता है ज्यादा लोगों से सॉल्व नहीं हुआ देखते हैं यहां पर भाई ऐसा क्या क्वेश्चन में है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है सात मिनट हो गए हैं फिर भी सॉल्व नहीं हुआ एट पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द टेबल दे ऑल लिव इन एट स्टोरी बिल्डिंग सच दैट ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज वन एंड टोट फ्लोर इज नंबर डिफरेंट मोबाइल फोन एल जी नो के अलावा ओपो एम आई विवो सोनी एंड एपल बट नॉट एस इन द सेम ऑर्डर मतलब ये डबल टाइप का क्वेश्चन है डबल टाइप का कैसे एक सर्कुलर अरेंजमेंट भी बनाना है आपको और आठ फ्लोर की बिल्डिंग भी बनानी है आपको तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे देखो सर्कल को तो हम थ्रेड मेथड में बनाएंगे तो यहां हम बना देते हैं सर्कल सर्कल मतलब थ्रेड मेथड वाला लाइन तो ये एक लाइन बना लेते हैं यहां पर सबसे पहले आठ लोगों के लिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ठीक है अब आठ लोगों का फ्लोर भी बना लेते हैं तो आठ सात छ पांच चार तीन दो एक अब अप्रोच देखिएगा दोस्तों कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो तो यहां आपको क्या बोल रहा है एफ सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ जी जब भी सिट्स की बात करेगा तो हमको सर्कुलर अरेंजमेंट में बनाना है जब भी लिव्स की बात करेगा तो हमको फ्लोर में बनाना है ठीक है तो यहां पर हम क्या करते हैं इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं ये पोर्शन को ऐसे करके डिवाइड कर देते हैं ये वाले पोर्शन में हम सिटिंग अरेंजमेंट का करेंगे यहां हम फ्लोर वाले अरेंजमेंट का करेंगे अब क्या बोल रहे हैं यहां पर एफ सिट लेफ्ट ऑफ जी एफ जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट में है जी से फिर क्या बोल रहा है द वन हु लाइक्स एम आई लिव्स एम आई लिवस जस्ट एबव द वन हु लाइक ओप्पो ओप्पो वाले से जस्ट ऊपर रहता है फिर क्या बोल रहा है एच डज नॉट लाइक ओप्पो एच को ओप्पो नहीं पसंद है यहां लिख देते हैं एच को ओप्पो नहीं पसंद है बी लिव्स एबव ई एंड बिलो एफ बी लिव्स एबव ई एंड बिलो एफ उसके बाद

डी के ऑपोजिट में कौन बैठता है हमको नहीं पता तो हम यहां पर बोल सकते हैं डी के ऑपोजिट में बैठता है, है हैश ऐसा मान लेते हैं तो आपको क्या बोल रहा है द वन हु लिव्स द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू डी लिव्स एबो द वन हु लाइक ओपो तो वो बंदा ओपो के ऊपर रहेगा यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि ओपो के ऊपर हैश रहता है क्योंकि इस बंदे का नाम नहीं पता ना हमको कि वो कौन था जो डी के ऑपोजिट में है तो हमने उसको एक वेरिएबल दे दिया हैश मतलब एक सिंबल से डिनोट कर दिया हैश और वो बंदा ओपो के ऊपर रहता है ठीक है अब लिव बिटवीन ए ए एंड जी, जी जी सोनी तो A और G के बीच में दो लोग रहते हैं यहां लिख लेते हैं भाई ए और जी के बीच में दो लोग रहते हैं और जी सोनी जी को सोनी पसंद है ए डज नॉट लिव एट ऑड नंबर फ्लोर ए जो है मतलब पर ये रहेगा एच लिव्स जस्ट ए एच जो है वो ए के जस्ट ऊपर रहता है तो एच को यहां पर बना देते हैं ऐसा H lives above G H जो है वो G के ऊपर रहता है तो हम बोल सकते हैं G से ऐसे ऊपर की तरफ में H रहेगा E sit third to right of D E जो है वो थर्ड टू राइट में है D से तो D से फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में हो गया E C sit second to left of D C जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है D से C जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है D से उसके बाद बी एंड हो लाइक सोनी अदर बी और सोनी जो है, ये दोनों है एक दूसरे के तो बी के ऑपोजिट में, तो मतलब में हो जाएगा तो यहाँ सोनी की जगह में जी लिख देता हूं क्योंकि सोनी जो है वो जी को पसंद है तो अगर बी और सोनी वाले ऑपोजिट है मतलब बी और जी ऑपोजिट है और क्या बोल रहे हैं दर्सन लिवस एट टॉप मोस्ट फ्लोर सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी जो भी टॉप में रहता है कौन रहता है हमको नहीं पता तो हम यहां पर क्या बना देते हैं एट द रेट बना देते हैं ठीक है टॉप वाले पे रहता है एट द रेट तो उसके लिए क्या बोल रहा है आपको सिट्स इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ जी एंड लाइक्स एल जी तो ये जी के इमीडिएट लेफ्ट में रहता है एट द रेट और इसको एल जी पसंद है उसके बाद द पर्सन हु सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी लाइक एप्पल बी के थर्ड टू लेफ्ट में जो भी बैठता है उसको एप्पल पसंद है तो बी से फर्स्ट सेकेंड ये एप्पल हो जाएगा फिर क्या बोल रहा है ए डज नॉट सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ ए जो है वो एफ के थर्ड टू लेफ्ट में नहीं बैठता एफ के थर्ड टू लेफ्ट में ए नहीं आना चाहिए उसके बाद सी लिव्स एट सेकेंड फ्लोर सी जो है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है एंड लाइक्स वीवो और इसको वीवो पसंद है ये टॉप वाले को क्या पसंद था एल पसंद था चलिए तो कंडीशन तो नोट हो गई होगी उम्मीद करता हूँ सभी कि भाई इतना तो आप लोगों ने कर लिया होगा कुछ गलती नहीं की होगी इसमें सर एक दिन में कितनी पजल प्रैक्टिस करनी चाहिए जितनी ज़्यादा कर सको उतना करो एकदम कोई इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि इतना ही करना है तो चलो दोस्तों इसमें ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से तो एक, एक करके बनाते हैं ये सी डी ई या जी एफ वाली कंडीशन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो देखो जी से दो छोड़कर ए उसके ऊपर एच होना चाहिए ठीक है अगर ए ईवन पे है और मिनिमम uh, तीन लोग नीचे दिखने चाहिए तो ए एवन पे यहाँ पर हो सकता है ये देखो ए से दो छोड़कर यहाँ पर हो जाएगा जी ए यहाँ रखोगे तो दो छोड़कर हो जाएगा जी यहाँ पर मतलब ए के लिए ये वाली जगह और ये वाली जगह दो जगह ए यहाँ पर आ सकता है ए यहाँ पर आ सकता है दो पॉसिबिलिटी बन रही है ए के लिए अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा इससे इससे स्टार्ट करें कि इससे स्टार्ट करें करें कि चलो इससे स्टार्ट करते हैं जी से एक छोड़कर एफ कहीं पर भी रख लेते हैं तो जी मैंने यहां पर रख लिया जी से एक छोड़कर ये एफ हो गया यहां पर ठीक है सबका डायरेक्शन सेम था कि नहीं देख लेते हैं एक बार

उसके बाद देखो जी के जस्ट लेफ्ट में एल जी है तो जी के जस्ट लेफ्ट में यहां पर हो जाएगा एल जी ये कंडीशन हो गई हमारी अब एफ से देखो यहां पर एफ से दो छोड़कर ए नहीं होना चाहिए तो एफ से दो छोड़कर यहां पर ए नहीं आ सकता ऐसे क्रॉस कर देते हैं ये कंडीशन हो गई हमारी अब देखो सी से एक छोड़कर डी दो छोड़कर ई e रखना है सी को अगर यहां पर रखोगे एक एक करके अब चेक करते चलते हैं तो पता चल जाएगा कहां होगा सी यहां रखोगे एक छोड़कर डी यहां आ जाएगा फिर दो छोड़कर यहां पर ई नहीं आ पाएगा सी यहां रख नहीं सकते सी यहां रखोगे तो रख लेते हैं चलो सी यहां रखेंगे तो सी से एक छोड़कर डी एक छोड़कर ये डी हो गया ठीक है फिर देखो डी से दो छोड़कर ई e लेना है तो डी से दो छोड़कर यहां हो जाएगा ई e. ये कंडीशन भी हो गई हमारी अब उसके देखो सी से एक छोड़कर नोकिया नहीं होना चाहिए सी से एक छोड़कर यहां पर नोकिया नहीं होना चाहिए अब क्या रखें अब देखो डी एल जी है अगर डी एल जी है तो डी यहां पर आएगा और क्या रख सकते हैं यार अब क्वेश्चन तो अच्छा है ट्रिकी क्वेश्चन है देखो जी को सोनी पसंद है यहां सोनी भी लिख देते हैं अब क्या कुछ नहीं कर सकते अब लेना ही पड़ेगा चलो पॉसिबिलिटी लेते हैं यहां पर लेते हैं ए को ई वन पे दो छोड़कर जी हो गया यहां सोनी उसके बाद ए के जस्ट ऊपर एच तो एच आ जाएगा यहां तो ये कंडीशन हमारी हो गई अब बचा है ई बी एफ तो ई e, बी और ये एफ ये कंडीशन भी हो गई हमारी सी जी डी बचा क्या है यार अब अच्छा ए यहाँ नहीं आ सकता तो ए एप्पल हो जाएगा अब देखो यहां पर आपको पता है ओप्पो एम रखना है ओप्पो अगर एच नहीं हो सकता एक जगह पे तो ओप्पो एम आ नहीं सकते मतलब ओप्पो एम को यहाँ रख सकते थे लेकिन ओप्पो एच पे नहीं आना चाहिए तो यहाँ रख देते हैं ओप्पो और एम आई और एम तो देखो ओप्पो के ऊपर हैश है मतलब ओप्पो के ऊपर कौन है एफ और डी है एफ और डी है तो एफ और डी हैश है क्या एफ और डी देखो डी के सामने हैश यहाँ होना चाहिए था कंडीशन गलत है गलत है कंडीशन भाई देखो क्या बोल रहा है ओप्पो के ऊपर हैश होना चाहिए ओप्पो के ऊपर आपको कौन कौन दिख रहा है एफ दिख रहा है और डी दिख रहा है मतलब कि डी के सामने में वही बंदा होना चाहिए था तो भाई डी के सामने में डी कैसे हो सकता है डी के सामने में एफ कैसे हो सकता है जब आपको यहां पर एफ दिख रहा है तो मतलब गलत है ना कंडीशन तो गलत है तो ये वाले को चेंज कर देते हैं सी को यहां से हटा के एक और आगे लेके जाएंगे अब ट्रिकी क्वेश्चन है एकदम यार ऊपर क्यों रेस कर दिया मैंने यार इसको अपन सिक्स पे भी तो कर सकते थे एक बार आप लोग चेक करके बताओ तो यार नहीं तो ज़बरदस्ती फिर मुझे रेस करना पड़ेगा आप लोग एक बार चेक करो कंडीशन कि अगर यहाँ पर जो मैंने रखा था ना ए को ये वाली कंडीशन ए और एच वाली अगर मैं इसको फोर से सिक्स पे करता तो क्या सही हो जाता है एक बार जल्दी से करके बताओ अगर नहीं होता तो फिर मैं दूसरी वाली पॉसिबिलिटी को चेक करूंगा हो जाता हो जाता तो चलो फिर करते हैं उसी को सी एक छोड़कर डी यहाँ आया था ए डी से दो छोड़कर ई e, और बचा क्या था हमारे पास ए बी सी डी एफ जी एच डी था एल जी छ पे रखते हैं ए को इसके ऊपर एच ए से दो छोड़कर जी जी है सोनी है ए फॉर एप्पल बी फॉर बड़ा एप्पल डी के सामने कौन है भाई डी के सामने एच है तो डी के सामने अगर एच है तो ये हो गया एच हैश ये ओप्पो से ऊपर होना चाहिए तो ओप्पो एम आई यहीं पर आएंगे और तो कोई जगह ही नहीं है हो गया सॉल्व क्या बज गया है और एच जो है वो नोकिया नहीं होना चाहिए देखो नोकिया तो अगर एच नोकिया नहीं होना चाहिए तो ये नोकिया हो गया एक नाम और क्या बच गया हमारे पास मस्त क्वेश्चन था लेकिन लेवल बहुत हाई था इसका क्वेश्चन का क्या बचा है दोस्तों? एक बस और नाम बचा हुआ है कौन से मोबाइल का नाम बचिया लावा बचा हुआ है। लावा आज भी मिलता है क्या? लावा। -E, -E, सर्कल तो बिल्कुल सही है हमारा इसको देखते हैं डीएचएफ बीजीसी डी एच ए एफ बी जी सी ई बिल्कुल सही है अब इनके नाम भी चेक कर लेते हैं एच क्या हो गया एच हो गया लावा तो एल जी लावा एप्पल एम आई एल जी लावा एप्पल एम आई ओपो सोनी वीवो नोकिया ओपो सोनी वीवो नोकिया बिल्कुल परफेक्ट आंसर अच्छा लेवल था दोस्तों ये आप बोल सकते हैं आर आर बी क्लर्क मेन्स या फिर इसको आप बोल सकते हैं आर आर बी पी ओ मेन्स का लेवल क्योंकि ऐसा लेवल आ, प्रिलिम्स में तो नहीं आएगा ठीक है प्रिलिम्स में आएगा तो आपका पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा प्रीलिम्स में थोड़े आसान आते हैं ये भी थोड़ा लेवल हाई लग रहा है तो हाई लेवल भी करना ही है भाई हमको क्योंकि मेंस की भी तैयारी साथ साथ करते रहनी है तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए मेरे ख्याल से ये आखिरी क्वेश्चन है पाँच मिनट का समय देते हैं लेवल को देखते हुए बाकी डिपेंड करता है अगर ईजी होगा तो आपसे जल्दी बन जाएगा टाइमर मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है और ये टाइमर यहाँ चल रहा है चलिए बनाइए जल्दी जल्दी सर ए और जी का दो का गैप है हाँ तो दो का गैप था ना फ्लोर में बोला था वो सर्कल में नहीं बोला था हो गया सॉल्व एस बी आई क्लर्क ने दे दिया है एक महीने छुट्टी ले लो क्या एक महीने नहीं यार ये दो चार पाँच सात दिन की छुट्टी लेनी है तो ले लो उसके बाद वापस से तैयारी में लग जाओ लंबी छुट्टी से आपकी जो स्पीड बनी है वो सब बर्बाद हो जाएगी स्टार्ट करें बहुत लोगों का तो बना ही नहीं है कुछ ही लोगों का बना है सिर्फ सारे नए स्टूडेंट हैं क्या पुराने स्टूडेंट आजकल आ ही नहीं रहे लग रहा है सब छुट्टियां मना रहे हैं रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एक तारीख का आई बी में हो जाएगा आई बी क्लर्क में हो जाएगा एस क्लर्क में हो जाएगा रिजल्ट का वेट कर रहे लग रहा है हो जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन जिनका नहीं होगा फिर वो क्या करेंगे आप लोग ऐसी गलती मत करना आगे अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो जब तक आप अपने लक्ष्य को पा ना लो जब तक मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक गैप नहीं लेना चाहिए वेट नहीं करना चाहिए रिजल्ट वगैरह का लगे रहो मेहनत करते रहो हो गया तो हो गया अच्छी बात है नहीं हुआ तो काम आएगा आगे वाले एग्जाम के लिए तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है सेवन पर्सन सबके नाम दिए हुए हैं बिलोंग टू सेवन डिफरेंट प्लेसेज पटना रांची मुंबई पुणे रायपुर अयोध्या जयपुर ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट लैपटॉप ईच ऑफ़ देम हैज डिफरेंट नंबर ऑफ कॉपीज सबके पास अलग नंबर ऑफ कॉपीज भी हैं तो मल्टीपल पॉसिबल वाला है ये तो

नाम क्या कह दिया हुआ प्रियंका पायल उत्सव प्रियंका पायल उत्सव उसके बाद और क्या बोल रहा है निधि आकाश राहुल निधि आकाश राहुल और मरीनल मेरे ख्याल से तो यही नाम थे सारे ठीक है तो ये सात लोग हैं जिनके बारे में हमको सारी डिटेल दी गई है अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा हैं डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कॉपी अच्छा नंबर्स जो है नंबर्स को भी हम यहां पर नोट कर लेते हैं तो नंबर क्या क्या दिए फोर हैं नाइन फिफ्टी सेवन सेवेंटी इधर लिख लेते हैं सेवेंटी फोर सिक्सटी नाइन फिफ्टी सेवन फोर्टी फोर थर्टी सेवन फोर्टी फोर थर्टी सेवन थर्टी टू ट्वेंटी सेवन इसका भी यूज पड़ेगा इसलिए इसको भी हम पहले से लिख लेते हैं अब डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ पायल एंड द पर्सन हु लाइक डेल इज थर्टी तो पायल और डेल का थर्टी का डिफरेंस है तो थर्टी का डिफरेंस कहां, कहां पर दिख रहा है दोस्तों यहां पर देख लो फिफ्टी सेवन ट्वेंटी सेवन सेवेंटी फोर फोर्टी फोर यही दो जगह दिख रही है हमको जिसमें थर्टी का गैप दिख रहा है ठीक है तो आपको बोला डिफरेंस पायल और डेल वाले का पायल और डेल वाले का जो डिफरेंस है वो थर्टी आना चाहिए उसके बाद क्या बोल रहा है नीदर प्रियंका और उत्सव बिलोंग टू पटना प्रियंका पटना से बिलोंग नहीं करती और उत्सव जो है वो भी पटना से बिलोंग नहीं करता फिर क्या बोल रहा है पर्सन वेनवो हैज मोर कॉपीजेन हैज एसर तो यहां पर बोल रहा है जिस बंदे के पास लेनवो है वो उसके पास ज्यादा कॉपीज होंगी किससे एसर वाले से ठीक है इस वाले की कंडीशन यहां पर लिखूंगा मैं फिर बोल पायल है पर्सन डेल। पायल के पास ज्यादा कॉपीज हैं डेल वाले से पर्सन बिलोंग टू रांची लाइक आसूस रांची वाले के पास आस, आसूस है रांची से जो बिलोंग करता है इसके पास आसूस है प्रियंका डज नॉट लाइक आसूस प्रियंका के पास आसूस नहीं होना चाहिए आकाश डज नॉट लाइक एसर आकाश के पास एसर नहीं है आकाश बिलोंग टू अयोध्या आकाश जो है अयोध्या से बिलोंग करता है एंड हैज थर्टी टू कॉपीज और इसके पास थर्टी टू कॉपीज हैं निधि से बीस कॉपी ज्यादा जिसके पास भी है लाइक सैमसंग उसको सैमसंग पसंद है तो यहाँ बीस ज्यादा देखो ट्वेंटी सेवन से थर्टी सेवन फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन तो है ही नहीं थर्टी टू थर्टी टू से फोर्टी टू फिफ्टी टू भी नहीं है थर्टी सेवन 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 एक दिख रहा है से नहीं है, है, है। नहीं नहीं से तो बस ये 37 से ये 57 दिख रहा है ज्यादा वाला तो आपको क्या बोल रहे हैं निधि निधि जो हो जाएगी वो 37 हो जाएगी तो यहाँ लिख देते हैं निधि में 37 और 57 जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैमसंग 57 हो जाएगा सैमसंग फिर क्या बोल रहा है Person has prime number copies. Prime number यहां पर देखो कौन सा अभी प्राइम नंबर यहां पर हो जाएगा थर्टी सेवन प्राइम नंबर है इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है तो, like तो पर्सन है प्रियंका है कम कॉपीज है तो 37 से कम यानी कि बत्तीस बत्तीस तो इसके पास है आकाश के पास यानी बचा क्या 27 तो प्रियंका के पास 27 हो जाएगा प्रियंका फ्यर कॉपीज देन निधि नीदर राहुल और मृनल राहुल और मृनल दोनों के पास सिक्सटी नाइन कॉपीज नहीं है इन दोनों जगह पे सिक्सटी नाइन नहीं आना चाहिए अगर ये दो जगह पे नहीं आएगा तो इन दो जगह पे आएगा तो अब हमको ये पता था कि अगर पायल में आप रख दोगे सिक्सटी नाइन तो सिक्सटी नाइन से तीस का डिफरेंस आपको दिखेगा ही नहीं कुछ भी इसलिए पायल पे नहीं रख सकते सिक्सटी नाइन यहां पर रखना पड़ेगा सिक्सटी नाइन वन ऑफ देम लाइक एच किसी एक बंदे को एच पसंद है यहाँ लिख देते एच पी नाम का भी एक लैपटॉप है किसी के पास मरीनल बिलोंग टू मुंबई मरीनल जो है ये मुंबई से बिलोंग करती है इजी क्वेश्चन था यार ये बस लंबा कंडीशन दिया हुआ है पर्सन वू बिलोंग टू मुंबई डज नॉट हैव इवन नंबर ऑफ कॉपीज़ तो मुंबई वाले के पास ईवन नंबर ऑफ कॉपीज़ नहीं है ईवन नहीं है मतलब ऑर्ड होना चाहिए यानी कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है ट्वेंटी तो ऑलरेडी हो चुका है थर्टी भी हो चुका है फिफ्टी सेवन सिक्सटी नाइन आ नहीं सकता मतलब फिफ्टी सेवन आएगा हो गया अब क्या करें क्या बच गया अब हमारे पास पायल के पास वो नंबर होना चाहिए ना जिसमें थर्टी का डिफरेंस आ रहा हो तो सेवेंटी फ़ोर फोर्टी फोर इसमें सेवेंटी फोर और फोर्टी फोर ही बचा है इन दोनों जगह पे तो इसी में मतलब थर्टी का डिफरेंस आ रहा है तो हम बोल सकते हैं पायल और डेल वाला मतलब अगर यहाँ पर पायल है तो यहाँ पर डेल आ जाएगा तभी इन लोगों का दोनों का डिफरेंस थर्टी का आएगा क्योंकि फोर्टी फोर सेवेंटी फोर इसी दोनों जगह पे आने वाला है ठीक है अब देखो डेल को आप सेवेंटी फोर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इससे ऊपर पायल होनी चाहिए मतलब ज़्यादा होना चाहिए सेवेंटी फोर से ज्यादा तो कुछ है नहीं तो इसलिए डेल को हम ले लेंगे फोर्टी फोर और इसको ले लेंगे सेवेंटी फोर ठीक है डेल को ले लेंगे फोर्टी फोर डेल से ऊपर पायल है नहीं ये देखो डेल से ऊपर पायल है तो ज्यादा होना चाहिए पायल के पास और क्या बज गया आप देखो सैमसंग फिफ्टी सेवन तो यहां पर हो जाएगा सैमसंग क्या बज गया पायल डाइल वाली कंडीशन हो गई इसको हटा देते हैं निधि प्लस ट्वेंटी सैमसंग फिफ्टी सेवन प्लस ट्वेंटी सैमसंग फिफ्टी सेवन ये कंडीशन भी हो चुकी है क्या बचा है कैसे रखेंगे सोचो भाई दिमाग लगाओ कैसे रखेंगे एसर वाले से ऊपर लेन वो होना चाहिए देखो एसर वाले से ऊपर लेनवो होना चाहिए एसर हो कहाँ कहाँ सकता है पहले तो ये देखते हैं एसर बत्तीस में हो सकता है क्या नहीं हो सकता है देखो एसर बत्तीस में तो नहीं हो सकता मतलब इन तीन में एसर हो सकता है ट्वेंटी सेवन में हो सकता है सिक्सटी नाइन में हो सकता है एसर सेवेंटी फोर में नहीं हो सकता क्योंकि उससे ऊपर आपको लेनवो चाहिए ठीक है तो सेवेंटी फोर में नहीं हो सकता मतलब ट्वेंटी सेवन और सिक्सटी नाइन में किसी एक जगह पर होना चाहिए इन दोनों में से किसी एक जगह पर एसर आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर फिलहाल मैं ऐसा लिख देता हूँ एसर या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा अब उसके बाद देखते हैं लेनवो के लिए अगर एसर हुआ 69 में तो लेनवो डेफिनेटली 79 में आ जाएगा अगर एसर 69 में हुआ तो 69 से ऊपर तो लेनवो के लिए सिर्फ एक ही जगह बचेगी ना ये वाली लेनवो के लिए तो ये ऐसा पेयर बन रहा है इनका अगर एसर हुआ ट्वेंटी में अगर एसर हुआ ट्वेंटी सेवन में तो लेनवो के लिए फिर बहुत सारी जगह बच जाएगी ये वाली भी जगह बचेगी सिक्सटी नाइन भी बच जाएगा सेवेंटी फोर भी बच जाएगा बहुत सारी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी और देखो इसके अलावा क्या है अच्छा एक एक चीज और यहां पर कन्फर्म हो जाएगी देखो अगर आप एसर यहां रखते हो तो लेनवो यहां हो जाएगा कन्फर्म अगर एसर लेने वो यहां पर आ गया तो अब रांची आसूस रखने के लिए आपके पास कौन सी जगह बचेगी रांची आसूस रखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह बचेगी रांची और आसूस जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आसूस यहां पर आ गया जो कि मना किया गया है तो ये पॉसिबल ही नहीं है आपका यानी एसर को यहीं लेना पड़ेगा और सोचो क्या रख सकते हैं भैया belong टू पटना अब देखो ये दोनों पटना से बिलोंग नहीं करते है ना तो पटना के लिए ये वाली और ये वाली जगह है चलो लिख लेते हैं यहां पर पटना या तो यहाँ पर आएगा या तो पटना यहाँ पर आएगा ठीक है और क्या बचा था हमारे पास रांची आसूस के लिए सिर्फ यही दो जगह है तो रांची या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा आसूस या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा और क्या बच गया इसके अलावा पर्सन हु लाइक हैज मोर कॉपीज देन द पर्सन हु हैज एसर एसर जिसके पास है उससे ज़्यादा कॉपीज हैं ठीक है तो लैनवो के लिए भी बहुत सारी जगह है बत्तीस में भी आ सकता है इन दोनों पे भी आ सकता है राहुल बिलोंग्स टू अच्छा राहुल बिलोंग्स टू जयपुर ये यार कंडीशन मिस कर दिया था ना मैं राहुल बिलोंग्स टू जयपुर हो गया सॉल्व खत्म अगर ये जयपुर हो गया तो पटना के लिए सिर्फ ये जगह है और अगर पटना के लिए जगह है तो रांची के लिए ये जगह है तो रांची वाले के पास आसूस है तो रांची वाला आसूस अगर यहां पर आ जाएगा तो अब क्या बचा हमारे पास एचपी और लेनवो है ना एचपी और लेनवो बचा है उसके लिए भी कुछ कंडीशन होगी कहीं फाइल हैज मोर कॉपीज देन द पर्सन लाइक डेल इसमें अब रायपुर बस बचा हुआ है रांची वाले को आसूस पसंद है ठीक है प्लस वन बाउंड रांची लाइक्स आसूस पर यंगर डज नॉट लाइक आसूस

इधर और ही होना चाहिए मेरे ख्याल से तो बच गया दोस्तों अब एचपी और लेनवो का इधर और होगा देखते हैं हाँ एचपी लेनवो का इधर और क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है ना पूरा मैंने पढ़ लिया शुरू से आखिरी तक कुछ बचा ही नहीं है तो एचपी और लेनवो का यहां पर हो जाएगा इधर और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व आप चाहो तो आप लोग आंसर चेक कर लो मैच कर लो भाई पायल पटना लेनवो एचपी सेवेंटी फोर पायल पटना सेवेंटी फोर एच पी उसके बाद राहुल जयपुर डेल फोर्टी फोर राहुल जयपुर डेल फोर्टी फोर आकाश अयोध्या एच पी लैनवो बत्तीस आकाश अयोध्या लेनवो एच पी बत्तीस मृनल मुंबई सैमसंग फिफ्टी सेवन मृनल मुंबई सैमसंग फिफ्टी सेवन निधि पुणे एप्पल थर्टी सेवन निधि पुणे एप्पल थर्टी सेवन प्रियंका रायपुर ए सर ट्वेंटी सेवन प्रियंका रायपुर ए सर ट्वेंटी सेवन उत्सव रांची आसो सिक्सटी नाइन उत्सव रांची या सो सिक्सटी नाइन बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी का आंसर आया हुआ ये दो क्वेश्चन जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे ना ये मेंस लेवल के क्वेश्चन थे आरआरबी आर मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पिछला वाला भी इससे पहले वाला ये वाला भी तो अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना पड़ेगा मेन्स के लिए ठीक है सर के एग्जाम सेंटर में पेंसिल लेके जा सकते हैं बिल्कुल लेके जा सकते हो आप अलग अलग कलर के पेन भी लेके जा सकते हो कोई मना नहीं करेगा दो से तीन पेन आप लेके जा सकते हो नंबर पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख देते तो जल्दी हो जाता हाँ अब इसकी अप्रोच आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो वैसे इससे भी बन गया मतलब ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं यस ऑफिसर डॉट कॉम पर जाकर यस ऑफिसर डॉट कॉम पर जाकर या फिर यस yes, ऑफिसर का आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से आप परचेस कर सकते हैं कोड क्या लगाना है दोस्तों डिस्काउंट के लिए तो डिस्काउंट के लिए कोड लगाना है ए एल वन जीरो डिस्काउंट कोड है ए एल वन ज़ीरो आप चाहें तो सिर्फ मेरी क्लासेस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और चाहें तो कंप्लीट बैंकिंग का प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं कंप्लीट प्रीमियम जो है वो दोस्तों पचपन सौ का है जिस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो अप्रॉक्स पाँच हज़ार में आपको ये एक साल के लिए वैलिडिटी मिल जाएगी एक साल तक आप सारी क्लासेस सारे टीचर्स की मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके हिंदी कंप्यूटर सब कुछ आप देख सकते हैं हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं बट आर आर बी पी ओ के लिए अप्रैल मंथ से वो क्लासेस स्टार्ट होंगी ठीक है चलिए खत्म करते हैं दोस्तों थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे